चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई सनी देओल और बॉबी देओल की फिल्म पोस्टर बॉय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाने में नाकामयाब रही। सिनेमाघर में 6 दिन का सफर तय कर चुके यह फिल्म केवल 11 करोड़ की कमाई करने का कामयाब हासिल कर पाई है। अगर हम बात करें कि इस फिल्म की कुल कमाई की तो मात्र 11 करोड़ ही रही है। इस बात की जानकारी ट्रेडर रक्स तरन अर्दस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लोगों को दी है। अगर आप हर दिन की कमाई देखें तो सिर्फ रविवार का दिन ऐसा दिखता है जिससे फिल्म ने सिर्फ 90 लाख रुपए की कमाई की है। उसके बाद तो हर दिन इसकी कमाई घटती चली गई, जो कि बहुत ही निराश करने वाली बात है। फिल्म के रिलीज से पहले ऐसा बोला जा रहा था कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर सकती है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं लग पाई। सनी देओल और बॉबी देओल दोनों भाई एक साथ पर्दे पर आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर सके। हालांकि इसका भी फिल्म का कोई फायदा नहीं मिल पाया। अगर फिल्म को मिले रिव्यूज की बात करें तो ज्यादातर फिल्म पत्रकारों ने इसे अच्छी फिल्म करार दिया है। हाँ, बहुत लोगों सारे ने स्क्रीन प्ले की शुरुआत घटिया बताया। हालांकि पोस्टर बॉय को डायरेक्ट करने वाले श्रेष्ठ तालपड़े की लोग जमकर तारीफ भी करते नजर आए।